नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के ऊपर दान का विशेष महत्व है और इसमें भी जो दीप दान है उसका खास महत्व है, विशेष महत्व है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दीप दान कैसे किया जाता है, कितने दीपक का दान करना है, दीपक जो आप दान कर रहे हैं वो किस वस्तु का होना चाहिए यानी किस धातु का होना चाहिए, दीपक जो आप दान करने वाले हैं उसमें कौन सा तेल या घी आपको डालना है, बत्ती किस प्रकार की लगाना है, कहाँ कहाँ पर आपको दीप दान करना है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दीपदान कैसे किया जाता है और दीपदान करने का महत्व क्या है, दीपदान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि दीप दान करने से हर प्रकार की जो मनोकामना है आपके अंदर वो पूरी होती है। आप किस चाहे धन की मनोकामना हो आपकी कि आप धनवान बने या आप बुद्धिमान बने या आपके घर धन संपदा हो, पुत्र पुत्र आदि की प्राप्ति हो, इसी प्रकार किसी प्रकार की भी जो आपकी मनोकामना है वो दीप दान करने से जरूर पूरी होती है। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको दीप दान कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि दीपदान कितने किए जाए यानी कितने दीपक का दान किया जाए। तो आपको मकर संक्रांति को 14 दीपक का दान करना है, 14 यानी 14 दीपकों का आपको दान करना है। दूसरी बात ये कि आप दीपक किस धातु का लेंगे या कौन सी वस्तु का दीपक आपको लगाना है, तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपको किस प्रकार के धातु की दीपक आपको लगाना है। आप चाहे तो सोने के दीपक लगा लीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो आप चांदी के दीपक लगा सकते हैं, आप चाहे तो तांबे के दीपक लगा सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक लगा सकते हैं या आटे का दीपक भी लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी शक्ति हो, उस हिसाब से आप दीपक ले सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यूज्ड जो दिया है यानी जिस दिए को आपने इस्तेमाल कर चुके हो उस दिए को आपको यूज नहीं करना है, बाकी आप कोई से भी दीपक का यूज कर सकते हो। अगर आप एक धनवान व्यक्ति है तो आप चांदी के दीपक वाले वो छोटे से क्यों ना हो, चांदी के दीपक आप यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत छोटे छोटे दीपक भी मिलते हैं चांदी के, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तांबे के दीपक भी छोटे छोटे मिलते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं बनता है तो आप मिट्टी के दीपक तो बहुत आसानी से मिल ही जाएंगे, कहीं पर भी आप बहुत आसानी से ले सकते हो। और वो भी नहीं बने तो आप घर में आटा तो सभी के घर होता है, आटे का दीपक बना के भी आप इसका दान कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें बत्ती किस प्रकार की लगाना है, तो बत्ती दो प्रकार की होती है, एक गोल बत्ती होती है और एक लंबी बत्ती होती है। तो जो आपको ठीक लगे उस तरह की बत्ती का आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको गोल बत्ती ही लगाना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको लंबी बत्ती ही लगाना, आप कोई सी बत्ती उसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि उसमें तेल कौन सा डालें, ये आपके ऊपर कि आप तेल कौन सा डालते हैं। लेकिन अगर मकर संक्रांति की बात करें तो इसमें तिल के तेल का बहुत महत्व है, तो आप तिल का तेल उसमें डाल सकते हो सारे दियों में, या फिर आप घी का दीपक भी लगा सकते हो, सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। बस ये जो मीठा तेल होता है, ये खाने वाला तेल है, उसका आप दीपक ना लगाएं, बाकी आप कोई सा भी तेल या घी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया तिल का तेल है, सरसों का तेल है या घी का दीपक, इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दीपक का दान किया कैसे जाता है। अब ये सोच रहे होंगे कि दीपक लिया और किसी को दे दिया, ये दान नहीं है। दीपक को प्रज्वलित करना ही दीपदान कहलाता है। अब दीपक का प्रज्वलित कैसे करते हैं, दीपक दान कैसे करते हैं, ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या करना है, एक आप बड़ी सी थाली ले लीजिए जिसके अंदर सारे 14 दीपक को आप रख लीजिए। ठीक है, एक बड़ी थाली में, थाली कैसे भी हो सकती है, आप तांबे की थाली भी ले सकते हो, पीतल की थाली भी ले सकते हो, आप स्टील की थाली भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एक थाली लीजिए, थाली में 14 दीपक को आप रख लीजिए। ठीक है, उस 14 दीपक में आप क्या करेंगे कि तिल का तेल या घी लगा सकते हो या सरसों का तेल उसमें डाल दीजिए। इसके बाद क्या करिए, उस पर बत्ती डाल दीजिए, जो भी बत्ती आपको डालना है, आप गोल बत्ती या लंबी बत्ती जैसे भी हो वो आप डाल दीजिए। इसके बाद उसमें थोड़े दो चार दाने तिल के जरूर डाल दीजिए, सभी दीपक में तिल के कुछ दाने जरूर डालना है, क्योंकि जो मकर संक्रांति होती है उस पर तिल का बहुत महत्व होता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि तिल के दो चार दाने सभी दीपक में आप डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करना मतलब सभी दीपक को जला देना है। ठीक है, अब दीपक जब जल रहे होंगे उस समय आपको उसकी सभी दीपक की पूजन करना रहता है। कुकु अक्षत रोली से आप क्या करेंगे, पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद जो आपकी मनोकामना है, जो आप जिस वजह से ये दीपदान कर रहे हो, वो मनोकामना को अपने मन में बोलना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि मैं इस वजह से ये दीपदान कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप श्रद्धा से, मन से, पूरे विश्वास से
अपनी मनोकामना उन दीपक के सामने जो जलते हुए 14 दीपक है उनके सामने बोलोगे तो बहुत जल्दी यानी अगली जो मकर संक्रांति है उससे पहले पहले आपका सारा काम हो जाएगा अगर आपने श्रद्धापूर्वक ये काम किया तो। ठीक है, अब आपने दीपक जला भी लिए हैं, उसकी पूजा भी कर ली है, अब इसको कहाँ कहाँ रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, रखने का ऐसा है कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर दीपक को रखना चाहिए, लेकिन मैं कुछ जगह आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर आप रख दीजिए। बाकी जो बचे दीपक हैं उसको आप अपने घर में भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर का जो मंदिर है उसमें दीपक को रखिए, एक दीपक वहाँ पे रखिए। इसके बाद जो घर का परंडा होता है जहाँ पर हम पानी पीने का जो भरते हैं वहाँ पर आप रख दीजिए, उससे क्या हो पितर की शांति होती है, तो वहाँ पर आप एक दीपक रख दीजिए। घर की जो दहली होती है, घर का जो बाहर का गेट के पास जो एक चबूतरा टाइप का होता है, आप वहाँ पर एक दीपक रख दीजिए। इस तरह से घर में दीपक रखिए। इसके बाद आप शिवालय जा सकते हो, शिवालय में शंकर जी के सामने दीपक रखिए। फिर आप किसी मंदिर में जाके आप दीपक रख सकते हो। ठीक है, कोई जलाशय अगर है पास में, कोई जलाशय है यानी तालाब है वहाँ पे रख सकते हो। कोई नदी अगर है तो वहाँ पर आप दीपक रख सकते हो। ये बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप अपने ये जो जले हुए दीपक है उनको रख सकते हो। इसके बाद आप जो पेड़ है यानी कि कुछ वृक्ष है जिनके पास अपने को दीपक को रखना चाहिए, उसमें बरगद का पेड़ है उसमें आप दीपक को जलाना मतलब दीपक का दान करना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ पर आपको दीपक का दान करना चाहिए, आंवले के पेड़ पर आपको दीपक का दान करना चाहिए, बिलपत्र के पेड़ पर आपको दीपक का दान करना चाहिए। इस प्रकार के जो कुछ पेड़ है, तुलसी का जो पौधा होता है उसके पास आपको दीपक का दान करना चाहिए। गौशाला जहाँ पर है वहां पर आपको दीपक का दान करना चाहिए। साथ ही जो यज्ञशाला है वहां पर आपको दीपक का दान करना चाहिए। इतने सारे जो मैंने आपको जगह बताई है उन सभी जगह पे आप इन 14 दीपक का दान कर सकते हो, यानी इन 14 जगह पर या जो भी मैंने जगह बताई है उन जगहों पर आप दीपक को मतलब दीपक वहाँ पे रख के आ सकते हो। जले हुए दीपक जो आपके हैं वो आप वहाँ पे रख के आ सकते हो। अगर आप इस प्रकार से जो भी अभी मैंने विधि बताई है उस विधि से अगर आप दीपदान करते हो तो बहुत जल्दी आपका जो सारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो दी गई जानकारी वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके जो भी आपके कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए। आ गया, जय हिंद।